हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस। दोस्तों, एक बात आप ज़रूर नोट करना कि मैं सिर्फ वो ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर होने के साथ साथ रिपीटेड भी हैं, और उनके साथ वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट जो कि एयरफोर्स नेवी में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये अपनी क्लास नंबर 12 है। 13 भी आएगी, 14 भी आएगी, 15 भी आएगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? देखो, हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के बाहर आर दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है जी एम अपोन में आर। हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस, तो होता है जी एम अपोन में आर, ठीक है। और हम बात करें अर्थ के अंदर किसी दूरी पर, तो वो होता है जी एम अपॉन में 2r³ इंटू में 3r² माइनस में r का स्क्वायर। देखो, ये तो है r, रेडियस ऑफ अर्थ, और अंदर कोई पॉइंट ले रहे हैं जो ये दूरी है r, ठीक है। देखो, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रेडियस हो गई अर्थ की, लेकिन मैं पोटेंशियल यहाँ निकाल रहा हूँ, तो ये r जो डिस्टेंस है ये जीरो हो गई। r को मैं जीरो रख दूंगा, स्मॉल r को, तो ये कितना बच जाएगा, 3r² अपॉन, और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, जी एम इंटू में 3 अपॉन में 2r, यानी क्या आंसर आ गया, 3/2 जी एम बाई आर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है, तो ये क्या आ गया, -3/2 जी एम बाई आर। और ये नेवी डबल ए 2018 में आया था, और नेवी SSR 2014 में भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिट, ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास, यानी फोर्स यानी न्यूटन, पर यूनिट मास यानी केजी, न्यूटन पर केजी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताया था मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप सितंबर 2019 में पूछा गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी होती है, तो अपना आंसर ये माइनस में आया था, और मैंने आपको बताया था ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। दोस्तों, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उससे क्या है कि मेरा मनोबल बढ़ता है, और जब सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बंद कर दूंगा, नहीं, अगर मेरा स्टूडेंट 32 भी हैं, 33 भी हैं, चाहे 10 भी हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि वो जो 10 लोग हैं वो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। अगर वो फिजिकली मेरे सामने बैठे होते तो क्लास कितनी अच्छी लगती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी स्टूडेंट होंगे हम उनको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मासिस, दो द्रव्यमान, 100 kg एंड 10,000 kg, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं ये। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है विल बी जीरो, जीरो हो गई एट विच पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दैम। तो ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे जीरो होगी वो आपको पता करना है इन दोनों के बीच में। देखो ये है सोगेत जी का, ये है 10,000 के जी का, बीच की दूरी है 1 मीटर। मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे जीरो हो गई, ये दूरी है एक्स, तो ये कितने हो गई 1 माइनस एक्स। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आर की बात करें तो 10,000 से तो ये 1 माइनस एक्स की दूरी पर है और 100 से ये एक्स की दूरी पर है। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कब होगा, तब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों बराबर हो। तो जी एक का मास था 100 अपॉन में आर स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, जी एम यानी दूसरे का मास था 10,000 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ये बच गया 100। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्या बनेगा 100x स्क्वायर। आप इसको सोल्व करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाई होप, देखो मैंने कल ऐसा क्वेश्चन परसों फोर्स का भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दोस्तों कम क्वेश्चन ज़रूर करवा रहा हूँ बट मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर का तीसरा नियम हमें क्या कहता है। कैपलर का तीसरा नियम हमें बताता है टाइम और प्लैनेट और सन के बीच की दूरी का रिलेशन, है टी एंड आर का रिलेशन। अब मैंने बताया था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो टी और मैं क्यूब को इधर लाऊंगा तो बाई थ्री हो जाएगा, यानी टी की पावर 2/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू प्लैनेट्स नियर द सन आर रोलिंग इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। दो प्लैनेट हैं सन के नज़दीक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, देयर मेजर एक्सिस आर इन रेशियो 1:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो रेडियस दे रखी है 1:4, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यानी जी एम कॉन्स्टेंट हो गया, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². चलो हमें रेशियो फाइंड आउट करना था g1/g2, तो किसके बराबर आ जाएगा, r2² / r1² ये तो रेशियो कितना था, r1 तो था 1 और r2 था 4, क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये कितना आ गया 16:1, है ना 16:1। देखो दोबारा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, g होता है gm/r². चलो मान लो ये पहले का जी मान लेते हैं, और जी टू क्या हो गया बाद का, जी एम अपॉन में आर टू का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो जी एम से जी एम कैंसिल, तो जी वन अपॉन जी टू किसके बराबर आ गया, आर टू ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, जी वन अपॉन में जी टू बराबर आर टू अपॉन में आर वन का स्क्वायर, और आर टू अपॉन में आर वन हमें क्या दे रखा है, 4:1, तो 4:1 मैं करूँगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16:1, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि वाही मून हैज़ नो गैसियस इन्वायरमेंट, मून के पास गैसों का कोई इन्वायरमेंट क्यों नहीं है। देखो समझ रहा हूँ क्या होता है, एक एस्केप वेलोसिटी नाम की चीज़ होती है, अगर आपको किसी गेंद को धरती से बाहर फेंकना है तो आपको 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसे फेंकना होगा,
यानी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन मून में क्या है कि जिसको गैस के वेलोसिटी है ना वो कम है और गैस की वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी गैस को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही मून से बाहर चली जाती है, चांद से बाहर चली जाती है, वहाँ पे कोई भी गैस पार्टिकल होते हैं वो, यानी उस गैस के वेलोसिटी बहुत कम है, यानी हमें खुद की तरफ से कोई चीज़ फेंकने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप उसके सरफेस से बाहर चली जाती है, उसके इन्वायरमेंट से बाहर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी एस के वेलोसिटी ऑफ मून इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ गैसेस पार्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ आया होगा आपको, अगर समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।